एक्चुअली प्राइस हो चुका है इसका 89 पेंस, जो कि 50 पेंस होता था। एक मल्टी बाय का डिस्काउंट चलते रहते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ये लो जी, चलिए आपके लिए एक नया आइटम है जो कि मैं लेके आया हूँ, ऑर्डर किया आपके लिए स्पेशली। वाओ, नाइस कलर, मतलब कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। फर्स्ट आवर इज फ्री, उसके बाद का पेमेंट है जो आपको करना पड़ेगा। वीगन में यार मेरे पास ऑप्शन, वीगन सॉसेज रोल बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है यार। अगर किसी को ट्राई करना है, वीगन है मतलब वेजिटेरियन है, तो ये खा सकता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग उठ चुके हैं सुबह मॉर्निंग में, एंड दिस इज अवर वॉशरूम, लंदन वाला जो है द बिगर वन। तो सीन ऐसा है कि हम लोग इंडिया से, मैं 2 किलो वेट गेन करके आई हूँ, सौरव इज़ लाइक 4 to 5 kg। तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी है और एक्सरसाइज की सुबह उठ के पूरा अच्छे से अपना स्वेटिंग बॉडी पे लिया। और स्वेटिंग यहाँ पे कम होता है, लेकिन जब तुम रूम वगैरह बंद करके थोड़ा हीटर वगैरह ऑन कर देते हो तो स्वेटिंग आराम से हो जाता है ना। एक बार आपको बाहर का माहौल दिखा देती हूँ। बाहर वहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, ये देखो, मतलब कुछ तो मैच वगैरह हो रहा है, एंड इट्स लुक सो प्रीटी, सो काम। और ये हमारा कमरा, ये मैं, ये मेरा बड़ा वाला मिरर जिसमें मैं अपने आप को निहारती रहती हूँ जब भी रेडी होती हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रिचा ना तैयार हो रही है। तो फिर मैंने कहा कि फटाफट यार छोटी मोटी चीज़ें ले आता हूँ, ताकि जब तक रिचा तैयार हो जाएगी ये सामान भी आ जाएगा। वैसे तो यार सारी ग्रोसरी घर पर डिलीवर हो जाती है, पर यार मैं प्रेफर करता हूँ कि चल थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड बहुत होती है। क्या होता है कि घर से बाहर निकलना ना बड़ा ही कम हो जाता है, तो इसी बहाने के एक फ्रेश एयर मिल जाती है, थोड़ा वॉक हो जाती है। तो यार ये सब चीज़ें भी अपने आपको ना मतलब ख्याल रखना पड़ता है। सुबह हुई है पर पूरा ब्लैक और डार्क है। वैसे शायद मेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत व्हीकल्स हैं। मेरे पास ऑप्शन है एस्टा की घर के सामने, नहीं तो यहाँ पर MNS LD ये सब है। बिल्कुल तो बेचारा बंद हो गया है, पर मैं अभी ऐसा जाने वाला हूँ। बेनिफिट इसका क्या होता है कि अगर आप इसके मेंबर बन जाते हो ना, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं शॉपिंग के लिए। जो मुझे लेनी है ना वो है केक्स, जो कि रिचा की पब्लिक डिमांड है कि यार कुछ मीठा चाहिए। और एस्टा ने क्या किया ना, एक वीगन रेंज लॉन्च की है जिसमें कि उसको केक्स और ये सब मिलते हैं, तो मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ। या ये रहा OMV है, मतलब तुम्हारे ओ माई वीगन केक्स। तो यहाँ से कैरेमल का एक तो ब्राउनी ले लेते हैं, तो ग्रॉसरी ना हो। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि प्राइजेस क्या है। इसे प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आफ्टर कोविड, आफ्टर वॉर यूक्रेन वाली, और जितने भी वॉर चल रही हैं, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है UK में। थैले लेने वाला हूँ जो कि है कुकुम्बर। रफली प्राइस हो चुका है इसका 89 पेंस, जो कि 50 पेंस होता था अराउंड कोविड के टाइम पे। एक मल्टी बाय का डिस्काउंट चलते रहते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें क्या है, एनी 2 for 2। तो मैं ग्रेप्स और संतरे ले रहा हूँ, तो मुझे लेनी है वो है बटर। तो गाइस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको ना बटर लेना है जो कि मिल्क का प्रोडक्ट है। दिस इज़ द वन, डोंट ट्राई टू टेक दिस स्प्रेड। स्प्रेड में क्या होता है ना, अगर मैं इन्ग्रीडियंट पढ़ूँ तो इसमें मिल्क इज़ ओनली 52%, बाकी तो इसके अंदर ऑयल है। मैं तो सच्ची बोलता हूँ यार, ये ऑयल खा के ना आपका स्टमक बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो स्प्रेड्स कभी मत लीजिएगा, हमेशा बटर लीजिए जो कि मिलकर बना हुआ है। इंडिया में तो हम बटर ही खाते हैं, यहाँ आके स्प्रेड एक बहुत इजी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है तो जम बहुत जल्दी आता है। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव में। ये लो जी रिचा जी, आपके लिए एक नया आइटम है जो कि मैं लेके आया हूँ, ऑर्डर किया आपके लिए स्पेशली। तो ये है फिटविले, एक ब्रांड है जो कि शूज का ब्रांड है। तो ये है ना रिचा के लिए मैंने स्पेशली ऑर्डर किए हैं। अगर फिटविले, ओके सही है, वन इज द शूज कलर अच्छे। वाओ, नाइस कलर, मतलब कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। अच्छा, तो गाइस इसको मंगवाने का ना मेन रीजन पता क्या है, अगर जिनके भी फुट में एंकल पेन, टो पेन होती है ना, तो ये शूज ना उसके लिए स्पेशलाइजेशन है। अगर आपके वाइट टोज होते हैं जैसे कि रिचा के हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल शूज को डालते हैं ना उसको टोज पे साइडों से पेन होती है। इसके अंदर ना यू शेप वो कुशंस लगे हुए हैं जो कि आपको ना पूरे आपके टोज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यार मार्केट में बहुत से ब्रांड है जो सेम चीज करती है, पर हमने इसका मंगवाने का मेन रीजन ये था कि यार इसका एक तो ब्रांड ने हमने सुना हुआ था, हमारे फ्रेंड से रिव्यू भी लिया हुआ था, तो दैट्स व्हाई वी ऑर्डर। अच्छा लग रहा है कि इसका डाउट ना हो। अरे तेरा साइज ये 6.5 है, ठीक है, लेट्स सी कैसे हाँ। कैसे बढ़िया लगता है। ठीक है जी, ठीक है, डाल यहाँ पे ट्राई कर ली।
आराम से तस्मे खोल के टेंशन फ्री होके डाल। नहीं मैं तस्मे नहीं खोलती, मैं इतना बोदर नहीं करती हूँ लाइफ में। तो ये देखो ये ऐसे बस इसमें डाल लिया है। अच्छा कंफर्टेबल है कि नहीं है? थोड़ा खुले लग रहे हैं साइज में। यार ये वाइट होल इसीलिए है ना, बाकी लेसिस के साथ इसको टाइट करो अच्छे से आपकी फिटिंग आएगी। अच्छा कैसे लग रहे पहने वाले? ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नाइस नाइस नाइस। नहीं कंफर्टेबल तो डेफिनेटली है, बट ये है कि मैं वैसे ना गाइस मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मेरे पैरों में बहुत ठंड लगती है। मैं टू सॉक्स पहनती हूँ, मतलब दो सॉक्स पहनती हूँ, तो मुझे हल्के से जूते थोड़े से खुले चाहिए होते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो बहुत टाइट हो जाते हैं मेरे पैर। तो स्पेसिफिकली इसीलिए हमने मंगवाए ये वाले, ताकि इसके टोज थोड़े ओपन रहे और रिचा को कंफर्टेबल डाल सके। और आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई जूते चाहिए जैसे मैंने पहने हैं, तो आप फिटविले की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारे लिंक से आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्लीज यूज आवर डिस्काउंट कोड दैट इज गोइंग टू गिव यू 30% डिस्काउंट। तो शॉपिंग कीजिए, अभी तो वैलेंटाइन भी आ रहा है भाई, गिफ्ट कर सकते हो आप। इवन फॉर मेंस फॉर वुमेन सबके लिए अवेलेबल है। गो चेक आउट द वेबसाइट। वीकेंड है और बाहर ना निकले ऐसा हो सकता है भाई, गाड़ी साफ करवा लो। सही बात है। अभी हम ना आज जा रहे हैं अपने पुराने गलियों में, आज हम जा रहे हैं हैरो मार्केट में, वहाँ हमें फ्रेंड्स ने मिलना है, एंड अदर थिंग इज कि हमारी मूवी भी बुक है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। वी आर बैक इन हैरो। आज हम अपने पुराने घर की बिल्डिंग के पास आए हैं। दिस वाज अवर पुराना घर, यहाँ पे हम रहते थे। एंड सौरभ इज डूइंग द पार्किंग, सौरभ पार्किंग का पेमेंट कर रहा है। एक्चुअली हैरो में एक घंटे का फ्री पार्किंग मिलता है, तो फर्स्ट आवर इज फ्री, उसके बाद का पेमेंट है जो आपको करना पड़ेगा। हमें थोड़ा मार्केट जाना है, सामान लेना है, फिर हमें फ्रेंड के घर में जाना है, तो उस हिसाब से हम दो घंटे का पार्किंग लेने लगे हैं। तो पार्किंग के लिए अगर आप नए हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना। ये हर जगह पे ना उन्होंने अपने एप्लीकेशन दी होती है, जैसे यहाँ पे बाय फ़ोन लिखा हुआ है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एंड एप्पल और गूगल प्ले जहाँ पे भी आपका फ़ोन है उस हिसाब से आप पे कर दीजिए। सिंपल, कोई वरी करने की बात नहीं है। एंड सौरभ ने वही पेमेंट कर रहा है, सौरभ लग रहा है पेमेंट कर रहे हो। हैरो हाई स्ट्रीट में आके कैसे लग रहा है सौरभ? नॉस्टैल्जिया। 4 years हम लोग यहाँ पे रहे हैं, हमारा फेवरेट कैफे नीरो, इसकी तो कॉफ़ी पी के जाएंगे हमें। तो हमने ले ली है, शॉपिंग की है जो हमने फ्रेंड के घर लेके जाना है, और मेरे कार्ड पे आ भी गया नोटिफिकेशन कि योर मनी हैज़ बीन डिडक्टेड। अभी हम जाके ना पहले फटाफट कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि वो बंद हो जानी है, नहीं तो फिर। फाइनली आ चुके अपने फेवरेट कैफे नीरो में, एक कॉफ़ी तो बनती बनती है जब भी यहाँ हो। हाँ, लेकिन पहले खाने पीने का तो कुछ खाने पीने का तो चाहिए ही चाहिए साथ में, कुछ खा तो लो। वीगन में यार हमारे पास ऑप्शन, वीगन सॉसेज रोल बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है यार। अगर किसी को ट्राई करना है, वीगन है मतलब वेजिटेरियन है, तो ये खा सकता है, आराम से खा सकते हो। दो क्यों दिए इसने मेरे को? वो कह रही है कि तुम्हारे को अलग अलग। अच्छा, दो अलग में डाले, मुझे लगा शक्ल देख के बोला होगा कि आपके लिए मैडम फ्री 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 फ्री। क्या कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड पीयूष और नेहा के घर में उनको मिलने के लिए, क्योंकि काफी टाइम बाद आए हैं, तो आज हम उनको मिलने जा रहे हैं। और आज गप्पे छप्पे होंगी, उसके बाद हमारी मूवी बुक है, हम मूवी देखने जा रहे हैं। यार यहाँ आके ना देखो, फैमिली है नहीं, तो यही होता है कि फ्रेंड्स के साथ मिल लो या फिर मूवी बुक करवा लो, शॉपिंग कर लो। इंडिया में तो ऐसा होता था कि मूवी देखने का टाइम नहीं होता था, इतना बिजी हो जाते थे। हेलो जी, क्या हाल है मैडम? बस ठीक ठाक। We are back in theater now. हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, तो ये हमारी यूके में आने में पहली मूवी है जब से हम यूके में आए हैं, लंदन वापिस आए हैं। हमने इंडिया में कोई मूवी नहीं देखी, अब यहाँ आ गए हम मूवी से देखने वाले। केम बैक इन लंदन, और मूवी अच्छी थी। हम लोगों ने फाइटर मूवी देखी, एक्चुअली काफ़ी 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुई थी, बट हम लोगों को अभी टाइम मिला,
इट वॉज गुड, लाइक मुझे बहुत ज्यादा अच्छी मूवी लगी, बट वन टाइम वॉच तो है. हाँ, डिसेंट मूवी है. और रात के बज चुके हैं 11:30-12 और अभी हम जा रहे हैं घर. तो आज क्रेविंग हो रही है फूड की. फूड की क्रेविंग नहीं हो रही, क्योंकि बीच में कुछ कुछ खा रही थी, जैसे हमने वो खाए थे, थोड़े से पॉपकॉर्न खाए, नाचोस खाए थे, बट वो फिर इतना पेट भर गया, थोड़ा लगा नहीं. तो अभी हम डाइट पे भी, जैसे कि मैं बहुत सोच समझ के खाऊंगी अभी, मुझे क्या खाना है नहीं खाना है. मैंने पॉपकॉर्न खाए हैं, नेचोस तो मैंने हाथ में नहीं लगाए. डिफरेंस एक्चुअली बिग डिफरेंस कि रात के टाइम पे अभी लंदन में बिल्कुल ठंड की वजह से बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन यही चीज अगर आप दुबई में, जैसे हम लोग यूएई में भी थे थोड़े दिन के लिए, इवन जापान में भी होके आए हैं, बॉम्बे में भी गए हुए थे, इवन कि हम लोग वहाँ गए जगन्नाथपुरी धाम गए थे, क्योंकि दैट्स अ धाम, तो वहाँ पे मतलब दिन रात श्रद्धालु आते हैं. मतलब इतनी चहल पहल होती है ना रात के टाइम पे, मैं क्या बोलूँ. बट दुबई में भी मतलब काफी अच्छा माहौल था, क्योंकि रात को ही लोग वहां निकलते हैं बाहर बिकॉज ऑफ गर्मी की वजह से. तो दिस इज अ बिट डिफरेंस कि रात को यहाँ पे लाइफ बड़ी डल सी हो जाती है, गिन के दुगुनी चुनिच गाड़ियां दिखेगी यहाँ पे आपको. तो अगर आप थोड़े पार्टी टाइप पर्सन हो या आपको मतलब पूरा टाइम बाहर पार्टी करने का मन है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यो यूके जैसा कंट्री है ना, थोड़ा सा जब सर्दियां होती है ना तब थोड़ा सा डल हो जाती है. मतलब आपको जितनी भी ठंडी कंट्रीज है, लाइक ठंड बहुत है, बहुत थोड़ी डल हो चलती है, क्योंकि रात को बहुत ठंडा हो जाता है, लोग फिर घर से बाहर नहीं निकलते, और एक्चुअली मार्केट्स रेस्टोरेंट सब मतलब नॉर्मली बंद हो जाते हैं 9:30 तक, तो थोड़ा सा वो पार्टी वाला माहौल नहीं रह जाता. हाँ, कुछ कुछ कैफेज और अपना पार्टी बार्स और ये सब खुले होते हैं, बट वो ये कि कुछ कुछ जगह पे जाके खुले होंगे, कुछ पर्टिकुलर जगह पे, मतलब बाकी रोड्स थोड़ी डल डल सी लगेंगी.